हे एवरी वन, वेलकम बैक टू टिप्स फ्रॉम हार्ट. गाइज, आज मैं आपके साथ इस प्रोडक्ट का रिव्यू शेयर करने वाली हूँ. ये है गुड वाइव्स एक्टिवेटेड चारकोल पील ऑफ मास्क. फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये प्रोडक्ट जो है पैराबेन फ्री है, सल्फेट फ्री है, क्रुएल्टी फ्री है, एंड इसमें मिनरल ऑयल भी नहीं है, यू कैन सी. तो ये प्रोडक्ट जो है एकदम नेचुरल है. इसकी जो क्वांटिटी है वो है 100 ग्राम्स फॉर 249 रुपीज़. आई होप यू कैन सी. इसकी जो शेल्फ लाइफ है वो है 2 ईयर्स, यू कैन सी. नेक्स्ट, चारकोल के बेनिफिट्स ये होते हैं कि चारकोल आपकी स्किन से वाइट हेड्स, ब्लैक हेड्स एंड डेड सेल्स को रिमूव करता है, हमारी स्किन की डीप क्लींजिंग करता है, और साथ ही साथ जो है हमारी स्किन को प्रोटेक्ट करता है अगेंस्ट हार्मफुल फ्री रेडिकल्स. नेक्स्ट है कि आपको इसे यूज कैसे करना है. तो आपको इस मास्क की जो है, इस पील ऑफ मास्क की काफी एक थिक लेयर अपने क्लीन फेस पे अप्लाई करना है. मेक श्योर बिफोर गोइंग टू यूज दिस मास्क आपका फेस एकदम क्लीन होना चाहिए. आप अपना फेस वॉश कर रहे हैं, देन आपको इसे ड्राई होने देना है 15 से 20 मिनट तक. और आपको बहुत पतली लेयर नहीं लगानी, आपको एक थिक लेयर लगानी है जिसे आपको पील ऑफ करने में ज्यादा दिक्कत ना हो. एंड यस, बिफोर गोइंग टू यूज दिस प्रोडक्ट आप एक चीज अपने जहन में याद रखें कि आपको जो है अगर आपके फेस पे हेयर्स हैं तो आप इस पील ऑफ मास्क को या किसी भी पील ऑफ मास्क को कभी भी यूज ना करें, बिकॉज फिर आपको इसे रिमूव करने में काफी दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है. मेक श्योर कि आपका फेस जो है वो अच्छे से शेव्ड हो, देन आप इस प्रोडक्ट को यूज करें. और इसके इंग्रेडिएंट्स आप देख सकते हैं, इट हैज लॉट्स ऑफ इंग्रेडिएंट्स. अब मैं आपको दिखाती हूँ कि हाउ दिस प्रोडक्ट लुक्स लाइक. यू कैन सी ये काफी थिक है और ये आपकी स्किन में अच्छे से जो है एक आपको थिक लेयर लगानी होती है ऐसे अपने फेस पे. आई डोंट नो वाई ये ऐसा दिख रहा है. आप देख सकते हैं ये कुछ इस तरीके का दिख रहा है. मैंने इसे थोड़ा सा अप्लाई किया है अपने हैंड पे. एंड मैं आपको एक बात बताना चाहूंगी, इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफी लाइक आर्टिफिशियल फ्रेग्रेंस है और कलर इसका ब्लैक है लाइक चारकोल. इसे अप्लाई करने के बाद एक कूलिंग सेंसेशन आपको आपकी स्किन पर फील होगा, और अगर वो नॉर्मल कूलिंग सेंसेशन है फिर तो ठीक है, लेकिन अगर आपको एक्स्ट्रा मतलब बहुत ही ज़्यादा इचिंग लगे अपने फेस पे या फिर जलन हो तो आप इसे जो है बिल्कुल अप्लाई ना करें. और वैसे भी बिफोर गोइंग टू यूज़ दिस प्रोडक्ट आपको जो है एक पैच टेस्ट कंडक्ट कर लेना है. मैंने इसे अप्लाई किया और मुझे अभी अपने हैंड पर थोड़ी सी कूलिंग सेंसेशन लग रही है, बट वो इतनी भी ज़्यादा नहीं है कि मुझे उससे प्रॉब्लम हो, वो नॉर्मल ही है. मैंने इस मास्क को यूज़ किया है और अगर आपके जो थोड़े बहुत ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स हैं आपके चिन एरिया पे, आपके नोज़ पे, तो ये उसे थोड़ा सा रिमूव कर देगा और आपकी जो स्किन है उसे काफ़ी क्लीन बना देगा. आपको एक इंस्टेंट क्लीन इफेक्ट दिखेगा अपनी स्किन पे, बिकॉज चारकोल जो है एज अ नेचुरल क्लींजर वो काफ़ी अच्छे से हमारी स्किन की डीप क्लींजिंग करता है. अगर आप इस प्रोडक्ट को परचेज करना चाहते हैं तो आप इसे डेफिनेटली परचेज कर सकते हैं. आप इसे एक बार ट्राई करके जरूर देख सकते हैं. दिस इज अ गुड प्रोडक्ट और ये एक बिल्कुल ही नेचुरल है, बिकॉज ना तो इसमें सल्फेट्स है, मिनरल ऑयल भी नहीं है और पैराबेंस भी नहीं है, तो ये आपकी स्किन के लिए काफी सूट करेगा. एंड दिस प्रोडक्ट इज फॉर ऑल स्किन टाइप्स. तो अगर आपकी सेंसिटिव स्किन भी है तो भी आप इसे यूज कर सकते हैं, बिकॉज इट हैज नो हार्मफुल केमिकल्स. इस प्रोडक्ट का आपको परचेज लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां पे जाके चेकआउट करना ना भूलें. और ये जो है आपको एमआरपी पे नहीं, आपको डिस्काउंट प्राइस पे ही मिलेगा, बिकॉज इस पे जो है ऑलवेज डिस्काउंट अवेलेबल होते हैं और काफी अच्छे वो भी. एंड अगर आप इसे यूज करना चाहते हैं तो यार दिस थम्स अप फॉर दिस प्रोडक्ट, आप इसे यूज कर सकते हैं. एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपके लिए वीडियो इन्फॉर्मेटिव रही हो. अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है रिगार्डिंग दिस प्रोडक्ट तो आप मुझसे कॉमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं. आई एम वेटिंग फॉर योर कॉमेंट्स. एंड यस, आई मीट इन माई नेक्स्ट वीडियो. टिल देन बाय. और आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें. एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग. बाय. टेक केयर ऑफ योर सेल्फ.